बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार मिक्स सब्ज़ी। इंग्रेडिएंट आप नोट डाउन कर लीजिए। आधा किलो मैंने आलू लिए, इसे भी काट लिया है। एक पाव गाजर लिए, एक पाव गोभी लिए, एक पाव मटर लिए, एक पाव सेम लिए और आधा पाव मेथी लिए। इन सबको मैंने काट कर अच्छे से धो लिया है। ये कटी हुई और साफ़ सब्ज़ी है तो आप इसे अच्छे से धो लीजिएगा। एक पाव बैंगन लिए, हम इसे पकाते वक्त काटे कर डालेंगे वरना ये काले पड़ जाएंगे अगर हमने पहले से काट दिया। एक छोटे साइज़ का दरमियाना प्याज लिया, इसे भी बारीक कट कर लिया है। एक छोटे साइज़ का दरमियाना टमाटर लिया, इसे बारीक काट लिया है। एक टेबल स्पून पिसी मिर्च, एक टेबल स्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टी स्पून नमक, 3 सर्विंग स्पून ऑयल। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे लाइट पिंक। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब तक कि ये नरम ना हो जाए। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसी मिर्च, पिसे धनिया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, ज़ीरा, ये सब शामिल कर देंगे और हल्का सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा जल ना जाए और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये भुन चुका है, अब हम इसमें कटी हुई तमाम सब्ज़ी शामिल कर देंगे जो हमने काट कर धोकर रखी थी। अब ऊपर से बैंगन काट कर डाल देंगे, हरी मिर्चें 4 अदद काट कर वो भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुकी है, अब इसमें 1/2 कप जितना पानी शामिल करेंगे और कवर करके दरमियानी आंच पर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखिए ये तैयार हो चुकी है, सब्ज़ी आलू सब गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी है तो हम इसके आँच तेज करके ड्राई कर लेंगे, पानी को भून लेंगे इसे। तो ये रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए ये तैयार है, आप इसे पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, वाइट चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी बनाई थी लेकिन वो लाइट मसालों से थी, उसका कलर लाइट था। और अगर ये वाली आप बनाएंगे तो इसका कलर आपको रेड में आएगा, रेड कलर इसका दिखाई देगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आने वाली मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।